भारत के समय की बात है। ये अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं सकते ना, इसलिए हम सब चूहों की तरह प्राण बचाते भटक रहे हैं। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों, टीवी की दुनिया में जब महाभारत को टेलीकास्ट किया गया था तो वो एक इतिहास बन गया था। लोगों में इस महापुराण के प्रति इस कदर दीवानगी देखी गई कि जिस वक्त टीवी पर महाभारत टेलीकास्ट किया गया उस समय सड़कें सूनी हो जाया करती थी। लोगों में इस दीवानगी के बावजूद अधर्म पर धर्म की जीत के इस पौराणिक ग्रंथ पर सिनेमा की दुनिया में किसी ने इसे बड़े पर्दे पर दिखाने की हिम्मत अभी तक नहीं की, मगर सालों बाद अब एसएस राजामौली ये कारनामा करने जा रहे हैं। इसकी तैयारी के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया है। खबरों की माने तो महाभारत अब बड़े पर्दे पर हमें देखने को मिलेगी और ये खुशी की बात है, लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प की बात यह है कि इसे बाहुबली, बाहुबली 2 और ट्रिपल आर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बना चुके डायरेक्टर एसएस राजामौली बना रहे हैं। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को बहुत बड़े लेवल पर दिखाने की जिम्मेदारी ली है। इस बात से दर्शक भी बेहद एक्साइटेड हैं और इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये राजामौली की खासियत है कि वो सिर्फ किसी कहानी को शानदार अंदाज में पर्दे पर पेश ही नहीं करते, बल्कि कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले उस पर गहन रिसर्च करते हैं। राजामौली की फिल्मों में जबरदस्त इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब जब महाभारत की कहानी को बड़े पर्दे पर लाने की बात है तो एक हालिया बातचीत के दौरान राजामौली ने इस संदर्भ में चल रही तैयारियों पर खुलकर बात की। उन्होंने माना कि ये बात सच है कि महाभारत की कहानी को बड़े पर्दे के जरिए दुनिया के सामने रखने के लिए राजामौली ही सबसे सही उम्मीदवार हैं। एसएस राजामौली का भी कहना है कि अपनी फिल्मों को और भी बड़ा और बेहतर बनाने के लिए महाभारत उनके लंबे वक्त से इंतजार कर रहा ड्रीम प्रोजेक्ट है। उन्होंने माना है कि इसे शुरू करने में काफी वक्त लगेगा। राजामौली ने इस फिल्म की गंभीरता और होने वाले प्रॉब्लम्स का भी जिक्र किया। इसके बारे में चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि महाभारत पर काम करने से पहले वो शायद 3-4 और फिल्में बना चुके होंगे। महाभारत की तैयारी के दौरान वो भी बाकी फिल्मों की मेकिंग में जुटे रहेंगे। बता दें कि महाभारत की कहानी को बड़े पर्दे पर लाने के लिए करोड़ों का बजट लगेगा और ये शायद सिनेमा जगत के इतिहास के सबसे बड़ी महंगी फिल्म होगी। वेल, देखा जाए दोस्तों तो रामायण फिल्म बन चुकी है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। लोगों ने अलग अलग नजरिए से उस फिल्म को बनाया है। हालांकि एक और रामायण आदि पुरुष बन रही है, सीता फिल्म भी बन रही है। अब ऐसे में महाभारत देखना, और वो भी इतनी लंबी चौड़ी कास्ट है, कास्ट ही नहीं बल्कि उसमें जो वो युद्ध दिखाया जाएगा वो काफी मजेदार और दिल को छू लेने वाला है। आप लोगों ने टीवी सीरीज में देखा होगा महाभारत की कहानी, अब ऐसे में बड़े पर्दे पर देखना, वो भी सिर्फ एक पार्ट में ये फिल्म बनती है या कई पार्ट्स आते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल आप कितने एक्साइटेड है फिल्म के लिए, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहे बॉलीग्राड स्टूडियोज़।